hello friends welcome to my channel humble beginnings and i am your friend madhu so today i have come with an interesting topic which is i'm sure you will definitely like about so i will start this topic with few words okay so basically how to stop doubting your greatness and start living an awesome life you can start out with nothing and out of nothing and out of no way a way will be made so i hope listening to these lines you have actually framed ki topic kya ho sakta hai so yes so I am going to talk about self confidence so self confidence kya hai and how we can build self confidence hum kaise apne aap ko अपनी worth realize करा सकते हैं तो पहले दोस्तों समझ लेते हैं कि होता क्या है self confidence and क्या है actually इसका यू नो हाउ वी विल डिफ़ाइन इसको कैसे डिफाइन करेंगे तो वेल चल यू क्या होता है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस एक जस्ट एक स्टेट है बींग क्लियर हैडेड की ओके okay? सो so, कितने क्लियर हैडेड आप हो कितने जल्दी आप एक्शन पर पहुँच जाते हो कितने जल्दी यू नो यू आर एबल टू मेकअप योर माइंड एंड यू कैन थिंक यू नो दिस आई हैव टू डू so that state of mind is basically known as clear headed state and वो आपके confidence को दर्शाता है अभी ना मैं आपको बताती हूँ कि ये word कहाँ से आया how we come to know about basically कैसे ये confidence word frame हुआ और इसका क्या meaning है so दोस्तों ये word जो है वो आता है Latin word फ्रीड से and fider का basically you know फीडर जो word है उसका अर्थ होता है to trust सो बेसिकली सेल्फ़ कॉन्फिडेंस इज हैविंग अ सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ ट्रस्टिंग वन सेल्फ ओके कि आप अपने में कितना विश्वास करते हो दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस ओके सो मैं आपको बता दूँ एक सबसे बड़ी चीज़ ठीक है सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो आप अपने बर्थ के साथ लेके नहीं आते हो ठीक है सो सेल्फ कॉन्फिडेंस एक स्किल है एक टैलेंट है जो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपनी लाइफ में एक्वायर करते हो ओके सो सेल्फ कॉन्फिडेंस बेसिकली जैसे कि हमने समझा कि ये एक इम्पॉर्टेंट टैलेंट नहीं ये है ये बेसिकली एक स्किल है ठीक है और ये स्किल को बिल्ड किया जा सकता है इट मींस इट्स नॉट डिफ़िकल्ट अगर आपको डर लगता है यू नो आप नर्वस हो जाते हो अगर किसी इंटरव्यू से पहले आप कॉन्फिडेंट नहीं रह पाते हो कि मैं कैसे करूं और इस तरीके का कोई फियर आपको होता है अगर कोई टास्क आ जाता है या यू you नो know, कोई एनी क्यों नो न्यू अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है और आपको डर लगता है मैं कैसे परफॉर्म कर पाऊँ तो दैट इज़ नोन एज लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस ठीक है तो अब इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप कैसे बिल्ड करते हो क्या एटीट्यूड आपको होल्ड करना पड़ेगा दैट वी विल डिस्कस ठीक है तो so हम क्या कर सकते हैं कुछ की पॉइंटर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी विच कैन रियली हेल्प यू विद दिस ओके सो व्हाट इज द की पॉइंटर्स आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है सबसे पहले यू हैव टू रिकोगनाइज योर सुपर पावर आपका सुपर पावर क्या है आप कितने स्पेशल हो आपका वर्थ क्या है वॉट पर्पज़ आर यू लुकिंग अप टू ठीक है तो सबसे पहली चीज़ क्या है आपको अपना पोटेंशियल रियलाइज़ करना है कि मेरे अंदर क्या बेहतर है और मुझे सबसे पहले अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी सो इफ़ यू डोंट लव योर सेल्फ आई टेल यू स्टार्ट लविंग योर यू नो स्टार्ट इंजॉइंग टाइम बींग विथ यू स्टार्ट लविंग द काइंड ऑफ स्किल्स यू हैव एंड रियलाइज कि अगर आप इस दुनिया में आए हो ना तो आपके पास एक बेहतरीन जिंदगी हो सकती है आप इस दुनिया में किसी पर्पस से आए हो ठीक है और भगवान ने आपको ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी टैलेंट ब्लेस नहीं किया होगा डेफिनेटली आपके पास कोई ना कोई टैलेंट डेफिनेटली होगा ठीक है तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि मेरे अंदर सुपर पावर है आई एम द ब्लेस चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स एंड आई विल गेट बेसिकली यू नो द बेटर थिंग्स इन माई लाइफ विथ माई ओन बेसिकली ऑन माई ओन टर्म्स बेसिकली ऑन माई यू नो इन इंडिविजुअल बेसिस आई कैन से ओके दैट विल बी द करेक्ट वर्ड एंड सेकेंड थिंग विच यू कैन डू इज़ यू नो यू कैन हैव यू uh, कैन identify what आर योर स्ट्रेंथ एंड what आर योर weaknesses आप उन सब चीज़ों को identify कर सकते हो आप बेसिकली जॉट डाउन कर सकते हो नोटबुक में या जर्नल में और find out कर सकते हो कि, कि मेरे अंदर क्या बेहतर है क्या मेरा यू नो बेसिकली स्ट्रेंथ है क्या मेरा वीकनेस है वो आप जॉट डाउन कर सकते हो दैन वॉट यू कैन डू यू आई टेल यू वन थिंग ठीक है आप सबसे पहले ये चीज़ याद रखो कि आपकी स्टोरी का हीरो आप ही हो तो अपने आप के ऊपर डाउट करना बंद कर दो ठीक है एंड ऑफ द डे आप जो भी स्टोरी फ्रेम कर रहे हो अपनी एंटायर लाइफ में उसके हीरो आप हो और उसको उससे बेहतर कोई नहीं पूरा कर सकता ठीक है तो आप क्या कर सकते हो आई कैन टेल यू आप सबसे बड़ी चीज़ नेगेटिविटी को आपको अवॉइड करनी है अपनी पूरी लाइफ से सबसे बड़ी चीज़ क्या कर सकते हो आप अपने आसपास देख सकते हो कि मैं किस तरीके के सर्कल में हूँ क्या मेरे सर्कल के जो लोग हैं वो पॉजिटिव बातें करते हैं या नेगेटिव बातें करते हैं तो मैं आपको बोलूँगी आप कंप्लीटली कट ऑफ करना है आपको नेगेटिविटी से नेगेटिव न्यूज़ से नेगेटिव पीपल से एंड नेगेटिव बेसिकली यू नो सेल्फ़ टॉक से क्योंकि हम अपने आप से ही बातें करते रहते हैं कई बार अपने आप को ही बुरा भला बोलते रहते हैं अगर कोई चीज़ हम परफॉर्म नहीं कर पाते तो हम अपने आप से हेटरेट डेवलप कर लेते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ आपको अपने आपको हेट करना बंद करना है अपने आप से जो सेल्फ नेगेटिव टॉक आप करते रहते हो सारा दिन वो आपको बंद कर देनी है ठीक है डेफिनेट

वो बहुत ज़्यादा आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करेगा क्योंकि उस टाइम पे आप अपनी आँखों में दिख रहे होते हैं आपको वो स्किल आता है सामने वाले की आँखों में आँखें डाल के बात करने का दैट इज़ नोन एज द बेस्ट वे ऑफ शोइंग कॉन्फिडेंस ओके दैट नॉट इन अ नेगेटिव फॉर्म ऑफ फ्रेम In a positive form of frame, not being arrogant, basically being humble and talking with confidence, you know, yes, I know this thing, yes, I can do this thing, and I if I don't know, I can learn this thing. Okay, that kind of attitude I'm talking about. So practice speaking in front of mirror. Now, what else you can do? सो so, आपको क्या करना है एक जर्नल बनाना है एक नोटबुक बनानी है जिसमें आपने क्या अच्छा किया वो नोट डाउन करना है ताकि आप एक रिकॉर्ड बना सको कल को अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ तो आप अपने जर्नल को रेफ़र कर सकते हो दैट विल बूस्ट अप योर मोटिवेशन लेवल सो यू कैन डू दैट वन थिंग देन वॉट यू कैन डू यू नीड टू रियली कम आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन बिकॉज लाइफ इज़ नॉट ईजी आई एम टेलिंग यू एंड वैन यू डू थिंग्स इन प्रेशर जब आप प्रेशर में काम करते हो ना बेसिकली तब आपको आपका ट्रू पोटेंशियल रियलाइज़ होता है तो आप पहली बात तो प्रेशर लेना सीख लो एंड अगर आपको डर लगता है कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए आई एम टेलिंग यू यू विल हैव अमेजिंग एक्सपीरियंसेस यू जस्ट ट्राई वंस आप एक बार कोशिश करके देखो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी एंड देन आप क्या कर सकते हो और बेहतर तो सबसे बड़ी चीज़ें आपको फोकस करना है वॉट यू आर नॉट एबल टू डू तो वो चीज़ों पे फोकस करना है और उनको कीप ऑन ट्राई करते रहना है ठीक है मे बी इन अ मंथ्स टाइम मे बी इन वीक्स टाइम एंड यू कीप ऑन ट्राइंग वर्किंग ऑन दो स्किल्स एंड आई एम श्योर यू विल लर्न दो स्किल्स एंड यू विल बिकम बेटर एंड आई टेल यू आप एक दिन में ना कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे इट इज़ अ प्रोसेस सो बेसिकली ये प्रोसेस है इसमें टाइम जाएगा एंड एवरी डे आई थिंक यू लर्न एंड एवरी डे इज़ अ Self practice of becoming confident. So focus on these pointers, and I am sure it will help you a lot. Okay, and it was nice interacting to you. I will come up with the next topic. Uh, for the timing being, I'll take. Uh, uh, you know, I can just tell you right now what you can do. You uh, you know that you have to subscribe, you have to like, and you have to comment, and. Very soon, friends, I'll be back with my next video. So, till then, stay happy, stay healthy. Goodbye. Take care.